नमस्कार, टीच टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि NTSC क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं कि यह जो एग्जामिनेशन है एक स्कॉलरशिप से संबंधित है। यदि हम इस एग्जाम को पास कर लेते हैं या इस एग्जाम को फाइट कर लेते हैं तो हमें क्लास 11th से लेके जब तक हमारी पढ़ाई चलते रहेगी, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे PhD हो, मतलब हमें अंत लेवल तक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और वो भी पर मंथ दी जाती है। और इसके अलावा भी हमें कई सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सारी बेनिफिट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि NTSC के द्वारा हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, किस प्रकार से ये NTSC है, क्या इसका जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न का मतलब पेपर किस प्रकार का होगा, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कब इसका एग्जाम होता है, लेवल 1 कब होता है, लेवल 2 कब होता है, इस पर सारा डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है, सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम क्या है, किस पाठ्यक्रम से संबंधित या किस किस टॉपिक से संबंधित या किस किस चैप्टर से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको अगर NTSC का फॉर्म भरना है तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम डिटेल में समझने वाले। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कट ऑफ, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितने अंकों की जरूरत है, कितने परसेंटेज की जरूरत है। और कट ऑफ का मतलब अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो हमें कितने नंबर की आवश्यकता होगी। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस कितनी है, अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते एग्जाम के लिए, फॉर्म भरना चाहते तो हमें फीस कितनी भरनी होगी, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी पर मंथ। तो इस पर हम सारी बातों पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन करते। सबसे पहले व्हाट इज NTSC, NTSC क्या है। तो जो NTSC एग्जाम है ये नेशनल लेवल का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, नेशनल लेवल का, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोस्ट वेनरेटेड एग्जाम, मतलब एक सम्माननीय परीक्षा है। अगर मान लिया जाए कि अगर आप NTSC निकाल लेते हैं, आपका मतलब मेरा ये है कि बच्चा अगर 10th क्लास में अगर NTSC निकाल लेता है तो उसको एक बड़ा एक सम्मान के द्वारा देखा जाता है कि हाँ इस बच्चे ने NTSC निकाल लिया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्कूलिंग में क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बीच में अगर बच्चा पढ़ता है, अगर उसने NTSC निकाल लिया तो उसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा एग्जाम हम यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए क्या अलग से एफर्ट्स करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं तैयारी में कोई खास नहीं है। बस आप अपनी ईमानदारी से अपना 9th और 10th क्लास का सिलेबस कवर कर लीजिए और साथ ही साथ में और क्या करना है वो बातों पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, खास करके मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इस सिलेबस को आप बड़े गहनता से, गहराई से आप पढ़ लीजिए तो काफ़ी कुछ हमारा यहाँ पर काम हो जाता है। और बाकी जो काम बचता है वो क्या बचता है उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कंडक्टिंग बॉडी कौन है, कंडक्टिंग बॉडी का मतलब इस एग्जाम का आयोजक कौन है, कौन इसको आयोजित करता है। तो NCERT करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद में मॉड क्या होता है, तो ये इसका जो मॉड रहेगा वो पूरा ऑफलाइन रहेगा। कहने का मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ के पेपर नहीं देना है, आपको परीक्षा हॉल में बैठ के पेपर देना है। टोटल MCQ रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और ऑफलाइन रहेगा, मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट होके एग्जाम को देना है। मीडियम क्या रहेगा, तो 11 लैंग्वेज में है ये, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, मतलब हिंदी, इंग्लिश और अदर भारतीय जो लैंग्वेज है 11 अलग अलग लैंग्वेज में होता है। मतलब हमें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर हमारा तो इंग्लिश मीडियम है, सर हमारा तो हिंदी मीडियम है तो हम कैसे दे पाए, तो ये लगभग सारी लैंग्वेज में होता है। तो इसमें सभी बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक यहाँ पर हो गया। लेवल ऑफ एग्जाम, 2 लेवल होते हैं, जो पहला लेवल क्रॉस करता है वो दूसरे लेवल में पहुंचता है। मतलब दूसरे लेवल में जाने के लिए आपको पहला लेवल पास करना होगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लेवल होते हैं वो लेवल कैसे होते हैं, जो पहला लेवल है वो स्टेट लेवल है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश का लेवल होगा, UP में रहते हैं तो UP, बिहार, ये स्टेट वाइज
होता क्या है, सिलेक्शन होता है भाई। सेकेंड लेवल में जाने के लिए फर्स्ट लेवल क्रॉस करना जरूरी है। फर्स्ट लेवल में बच्चा यूपी में रहता तो यूपी से भरेगा फॉर्म, बिहार में रहता तो बिहार से भरेगा, मध्य प्रदेश में रहता बिहार मध्य प्रदेश से भरेगा, अपने अपने राज्य से सब बच्चे अप्लाई करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद में सारे बच्चे फिर नेशनल लेवल में जाएंगे और फिर ये वाला एग्जाम पूरे भारतवर्ष के हर राज्य का बच्चा इसमें अपीयर होगा और फिर कुछ इसकी सीट्स है जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे वो पास करता है, फिर उसके बाद में स्कॉलरशिप मिलेगी। और सही तरीके से, सही प्लानिंग से, सही स्ट्रेटजी अगर हम रखें तो इस एग्जाम को पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है लेकिन अगर सही तरीके से, अगर प्लानिंग से अगर हम काम करें तो पास किया जा सकता है, हमें स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है और उसके अलावा भी कई सारे लाभ है, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, अगर हमें इस एग्जाम में अपीयर होना है तो क्या योग्यता होना जरूरी है, और योग्यता इसकी बड़ी सिंपल है। नाइन्थ क्लास में देखिए, पहले हम लेवल वन की बात करते और फिर उसके बाद में लेवल टू की बात करेंगे, या लेवल वन मतलब स्टेज वन, लेवल टू का मतलब स्टेज टू, ठीक है ना, लेवल स्टेज एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना, आप किसी भी बोर्ड से क्लास नाइन्थ में 60% मार्क के साथ में पास होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो एनटीएससी के बारे में सोच रहा है और उसका अगर 60% भी अगर नहीं बन पा रहा तो मेरे ख्याल से फिर एनटीएससी का एग्जाम भी नहीं देना चाहिए, एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और मान लिया जाए कि बड़े मुश्किल से बिल्कुल जुगाड़ दुगाड़ लगा के और ग्रेस लगा के पास भी हो जाता है नाइन्थ क्लास, तो क्या एनटीएससी का जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसकी अपेक्षा, तो ये लेवल ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि लगभग, मतलब यानी कि 60% से ज़्यादा आपके नाइन्थ क्लास में होना चाहिए, नाइन्थ क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, अभी टेंथ की नहीं। इसके बाद में अगर मेन अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए 1 जुलाई को, जिस भी वर्ष आप भर रहे तो 1 जुलाई को आप 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब आप 10th क्लास में अपीयर होगे उस समय में आप इस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 9th क्लास आपको अच्छे से पढ़ना है, 10th क्लास भी अच्छे से पढ़ना है, और जब 10th क्लास का आप एग्जाम देने वाले होंगे, जिस साल में आप 10th क्लास में रहेंगे उस साल आप 18 साल से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से होते भी नहीं है 18 साल से ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फेल हुआ होगा वही 18 साल से ज़्यादा होगा, अदरवाइज 18 साल में तो 12th क्लास पास हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर, एक क्राइटेरिया यहाँ वाला ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। स्टेज टू, जब स्टेज वन पास हो जाएंगे, इसके जो इसका कट ऑफ है उसको क्रॉस कर लेंगे तो स्टेज टू में जाएंगे, ठीक है। अब दो प्रकार के पेपर होते हैं एग्जाम पैटर्न, देखिए एग्जाम पैटर्न, पहले बात करते हैं हम स्टेज वन, दो पेपर हो गए, एक होता है मेट और एक होता है सेट, ठीक है। अब मेट क्या है और सेट क्या है, मेट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब तार्किक, ठीक है, तार्किक परीक्षा होती है। तार्किक में इसमें सिस्टम क्या होता है, किससे किससे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। और एक होता है स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट, मतलब इसमें होता है मैथ साइंस और सोशल साइंस, और उसमें चैप्टर क्या होते हैं, टॉपिक क्या होते हैं, इस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेपर वन, ये दोनों पेपर एक ही डेट को होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, पहले 2 घंटे का पेपर होगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे का गैप हो जाता है, फिर उसी दिन में आपका अगला 2 घंटे का पेपर होगा, तो एक ही दिन में 2 पेपर इसके होते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 नंबर के क्वेश्चन हो गए। पेपर वन कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, और 100 क्वेश्चन आए, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। माइनस मार्किंग मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो उस पर रिवर्स माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो पेपर टू जो है, पेपर टू में क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा, साइंस रहेगा,
सोशल साइंस रहेगा, जो मैथ्स रहेगा उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के रहेंगे, साइंस में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के रहेंगे साइंस में, और सोशल साइंस में भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के रहेंगे, और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, और टोटल 100 नंबर 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर आपका मैथ साइंस और सोशल साइंस का पेपर हो रहा है, यहाँ पर मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ये बिल्कुल सिंपल है। एक ही दिन में 2 पेपर होना है, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होना है, बीच में 2 घंटे का थोड़ा सा आपको रेस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे 100 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही कि साइंस में 40 नंबर 40 क्वेश्चन, इसमें 20 ही क्वेश्चन है इसमें 40 क्वेश्चन है। आपको मैं बात बता दूँ कि मैथ्स में कम जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें भी मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो मैथ्स का काफ़ी कुछ रोल होता है, मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम, इसे क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ क्या है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये है कि हमें दूसरे लेवल में जाने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने प्रतिशत अंकों की। तो आपको मेट में 40% 100 में से 40 अंक लेना जरूरी है, और सेट में भी 40 अंक लेना जरूरी है अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो। और यदि एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग अगर है तो 32% दोनों में अगर 32-32 नंबर भी अगर हमारे आ गए तो हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम का जो पैटर्न है ना, ध्यान देना इधर, लेवल वन मतलब जो स्टेट लेवल होता है उसमें भी सेम यही पैटर्न रहता है, और लेवल 2 होता है उसमें भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं है, एग्जैक्ट सेम ही है। दोनों में अंतर ये रहेगा कि जो स्टेट लेवल होगा थोड़ा सा पेपर आसान होता है, जब स्टेट नेशनल लेवल का होगा जो स्टेज 2 होता है उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इवेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, कब निकलते हैं, तो अक्टूबर नवंबर के लगभग में प्रति वर्ष इसकी डेट में कुछ परिवर्तन रहता है। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसको पता कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई की क्या होती है, तो लगभग वहाँ पर दी जाती है। NTSC एडमिट कार्ड कब होते हैं, तो एग्ज़ाम के कुछ हफ्ते पहले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ जाते हैं। NTSC एग्ज़ाम कब होता है, तो लगभग जनवरी के लगभग में यह एग्ज़ाम होता है, लेवल 1 होता है, स्टेज 1 होता है। इसकी आंसर शीट जो भी एग्ज़ाम हुआ उसका 5 से लेके 7 दिन के अंदर आपको आंसर शीट मिल जाती है। कहने का मतलब जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है, आप चेक कर सकते कि हमने जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें कितने क्वेश्चन हमारे सही है। स्टेज 1 का जो रिजल्ट आता है वो फरवरी से लेके मई के बीच में आता है, प्रतिवर्ष इसकी डेट में कुछ बदलाव रहता है। NTSC स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो जून के महीने में लगभग इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये इसकी डेट्स है, प्रतिवर्ष इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, तो आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिस भी वर्ष आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इसका फॉर्म भरेंगे अप्लाई करेंगे तो हमें फीस कितनी पे करना होगा, तो ये फिक्स नहीं है, अलग अलग राज्य के लिए इसकी फीस अलग अलग होती है, बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लगभग 50 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में अलग अलग राज्य वाइज इसकी फीस होती है, ठीक है। फीस का मतलब एप्लीकेशन फीस है, ये जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय में आपको कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है। जो मेट का एग्ज़ाम है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, उसका सिलेबस क्या होगा, तो ये 2 प्रकार का होता है, वर्बल नॉन वर्बल एनालॉजी, वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। और उसके ये टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक को आप देख सकते हैं, तो अलग अलग टॉपिक के आधार पर ये होता है। अगर हम सेट की बात करें तो सेट में भी सिलेबस डिफाइंड होता है, फिजिक्स का ये सिलेबस आपके सामने है, केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी का है। कहने का मतलब टोटल जो सिलेबस है वो सिलेबस अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो उसके लिए
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो सिलेबस होता है वो 9th और 10th क्लास के ही लेवल का सिलेबस यहाँ पर दिया जाता है। ये सारे चैप्टर इसमें होते हैं। कुछ कुछ चैप्टर जैसे 9th 10th में आपको यहाँ पर नहीं भी दिखेंगे, लेकिन आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सिविक्स के लिए ये चैप्टर है, ज्योग्राफी के लिए ये चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, हिस्ट्री के लिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से चैप्टर होते हैं। अच्छा, इसकी वैकेंसी कितनी होती है तो हर स्टेट में देखिए, सबसे पहले तो स्टेज वन या लेवल वन बोल सकते हैं हम, लेवल वन का मतलब या स्टेज वन का मतलब ये हुआ कि जब आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य से, मान लिया जाए कि आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं एक एग्जांपल, तो आंध्र प्रदेश में स्टेज वन में जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से 263 बच्चों का चयन होगा और वो लेवल टू में जाएंगे, यानी कि स्टेज टू में जाएंगे। और इसी प्रकार से अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग होता है, जैसे बिहार के लिए 691 सीट है, इतने बच्चे बिहार से आएंगे, है ना। हर राज्य में, छोटे राज्य में कम सीट है, बड़े राज्यों में ज़्यादा सीट है। आप देखेंगे कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें होगी, महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 774, क्योंकि वो राज्य बड़ा है और उसी हिसाब से सबकी सीट होती है। पूरे इंडिया में सभी राज्य को मिला के 8387 के लगभग सीट होती है। इतना बच्चा लेवल टू में यानी कि स्टेज टू में एग्जाम देने जाता है, इतना बच्चा पास होता है सारे राज्य मिला के। और सभी लोग फिर इसके बाद में स्टेज टू में जाते हैं, स्टेज टू को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद में बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है तो जब बच्चा 11th और 12th क्लास पढ़ता है तो उस समय में उसको 1250 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। 1250 पर मंथ, प्रत्येक महीने में, एक बड़ा अमाउंट है। 11-12 की अगर बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग बच्चे का की जो स्कॉलरशिप है वो उसके खर्चे से ही वो बच्चा पढ़ाई कर लेता है। और न भी हो, लेकिन स्कॉलरशिप अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हम इस लेवल का एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो बच्चा परिपक्व हो जाता है बड़े बड़े एग्जाम को फाइट करने के लिए। कारण भाई, उसने क्या किया, मेट और सेट की इतनी अच्छे से तैयारी कर ली, 9th 10th लेवल का इतने अच्छे से तैयारी कर ली, तो ये सारी चीज़ें बन जाती है उसका जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज बन जाता है कि अगर भविष्य में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करता है तो ये सारा नॉलेज उसको वहाँ पर काम आता है। उसको मेहनत करने की हैबिट हो जाती है, उसको कॉन्सेप्ट कवर करने की हैबिट हो जाती है, उसको पढ़ने का तरीका आ जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है NTSC के थ्रू। तो ये केवल स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, ये अपने आप को डेवलप करने का भी यहाँ पर टेस्ट हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसको ग्रेजुएशन में 2000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, बैचलर डिग्री में भी और मास्टर डिग्री में भी। और उसके बाद में अगर वो हायर स्टडी करता है, हायर स्टडी मतलब PhD तक भी अगर करता है, तो वो फिर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये मान के चलिए कि बच्चे ने 10th क्लास में अगर NTSC का एग्ज़ाम फाइट कर लिया तो उसके पास में लाइफ टाइम, जब तक उसकी पढ़ाई चल रही है तब तक उसको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे, जैसे IIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद हो गया, इसमें 15 सीट्स होती है NTSC के क्वालिफाई बच्चों के लिए, है ना। इसके बाद में IIT मुंबई लिखा होगा कहीं, IIT बॉम्बे के लिए भी इसकी कुछ सीट्स होती है, IIIT दिल्ली के लिए इसकी सीट्स होती है, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में भी एक रिलैक्सेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल मान लिया जाए, सपोज करें कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो इंटरव्यू हो रहा, अगर वहाँ की इंटरव्यू टीम को अगर पता चला कि दो बच्चे हैं, ये इसने NTSC क्वालिफाई किया था, इसने NTSC क्वालिफाई नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं उसका देखने का नज़रिया और प्रायोरिटी भी यहाँ पर फ़र्क उसका पड़ता है कि नहीं, ये बच्चा NTSC किया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें इस बच्चे की अपेक्षा इसमें चेंजेस देखने को मिलते। तो आपका जो रिज्यूम है, आपका जो बायोडाटा है, वो एक स्ट्रांग बनता है इसके द्वारा। मतलब हम बोल सकते हैं कि NTSC के द्वारा आप अपने लाइफ में कई सारा सम्मान पाते हैं, कई स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है और साथ ही साथ में आपको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। तो यदि आप 8th क्लास में भी है,
या नाइन्थ में भी है तो टेंथ में भी है, तो आपको NTSC देना ही देना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि हर बच्चे को NTSC देना चाहिए, ताकि हमें एक प्रतियोगी परीक्षा देने की एक हैबिट आए। चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, लेकिन आपको इसकी तैयारी ज़रूर करना चाहिए। मार्केट में इसकी बुक्स अवेलेबल है ना, कोचिंग सेंटर से अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑफलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, और सारी चीज़ें आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सारी चीज़ें आज के समय में अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर इस लेवल में आते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपने अवश्य ही ये पेपर देना चाहिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।